Good morning, students. Today we will do chapter number 32 of English grammar, that is dialogue writing. Let us read. Dialogue writing is an art of talking which occurs when two persons converse with each other. By dialogue writing, we can improve our conversation skills and imagination. While writing dialogue, we should pay attention to some points which are given below. The first one is our writing should be interesting and easygoing. The second point is views of the two persons should be simple and understandable. Third point dialogue should be based on a particular topic. Now, students, dialogue writing is a conversation between two. ओके डायलॉग राइटिंग जो होती है ना वो क्या होती है जब दो लोग आपस में किसी एक टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं ना तो उसको डायलॉग राइटिंग कहते हैं ओके okay. और डायलॉग राइटिंग जो है ना स्टूडेंट्स वो डायरेक्ट स्पीच में होती है बिकॉज इसमें कन्वर्सेशन डायरेक्ट दिखाया बताया जाता है कि व्हाट द टू पर्सनज आर टॉकिंग ओके और एक ही टॉपिक पे बात की जाती है इसमें टॉपिक जो है चेंज नहीं होना चाहिए ओके डायलॉग राइटिंग से हमारा कन्वर्सेशन स्किल एंड इमेजिनेशन जो है वो इम्प्रूव होता है कन्वर्सेशन स्किल मीन्स यू कैन डिबेट डिबेट होती है ना जैसे आपने डिबेट देखा होगा एक टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर आपको बोलना होता है यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक ओके जिसमें फॉर एंड अगेंस्ट तो वो भी क्या हुआ आपका कन्वर्सेशन स्किल ही कहलाएगा एक तरह से दैट यू कैन स्पीक ऑन वन टॉपिक ओके आपको अगर कोई टॉपिक दिया गया तो उसमें आप अच्छी तरह उसमें बात कर पाएंगे ओके okay, तो जब आप डायलॉग राइटिंग करते हैं ना उससे आपका यही कन्वर्सेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होता है और इमेजिनेशन भी इम्प्रूव होता है ओके वाइल राइटिंग डायलॉग हम लोगों को कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह याद रखना होंगे वो क्या है ऑन राइटिंग आर राइटिंग शुड बी इंटरेस्टिंग एंड ईजी गोइंग ओके जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं ना तो उस टॉपिक में जो है राइटिंग जो है जो वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे ओके okay? वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए हमारे आइडियाज़ जो है ना वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और ईजी गोइंग होना चाहिए मतलब अच्छी तरह बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग uh, नहीं होना चाहिए सेकेंड पॉइंट क्या है व्यूज़ ऑफ द टू पॉइंट्स शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल ओके मैंने अभी अभी आपको बताया था सिंपल होना चाहिए लैंग्वेज भी सिंपल होना चाहिए ओके okay? और जो हम लोग जो कन्वर्सेशन दिखाया जाएगा एक दूसरे के साथ में जो कन्वर्सेशन दिखाया जाता है बातचीत जो कहते हैं ना हिंदी में वो अंडरस्टैंडेबल हो समझ आनी चाहिए ओके थर्ड पॉइंट क्या है डायलॉग शुड बी बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक ओके जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था कि टॉपिक जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए जो कन्वर्सेशन आप जो लिखेंगे द कन्वर्सेशन दैट यू विल राइट बिटवीन द टू पर्सन शुड बी ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक ओके जो टॉपिक है उसी पे ही आपका कन्वर्सेशन होना चाहिए आपका कन्वर्सेशन जो है वो और किसी दूसरे टॉपिक पे नहीं होना चाहिए वो इरेलीवेंट हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स सी वन एग्जांपल इज गिवन देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कन्वर्सेशन रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन रीनू एंड श्याम ओके यहाँ पे दो स्पीकर कौन है रीनू एंड श्याम ओके रीनू और श्याम के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है लेट अस रीड द फर्स्ट स्पीकर इज रीनू रीनू वॉट आर यू सर्चिंग फॉर ऑन गूगल श्याम श्याम आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड सो आई एम सर्चिंग ऑन गूगल ओके यहाँ पे किसके ऊपर टॉपिक है गूगल ओके okay? तो इसमें रीनू जो है न वो श्याम से क्या पूछ रहे हैं कि तुम गूगल में क्या सर्च कर रहे हो रीनू वाई डोंट यू लुक अप द वर्ड इन अ डिक्शनरी ओके श्याम क्या ढूँढ रहा था गूगल में एक वर्ड का मीनिंग सर्च कर रहा था तो फिर रीनू उसको क्या सजेस्ट कर रहा है कि डिक्शनरी में क्यों नहीं ढूंढते श्याम टाइम सर्चिंग इन डिक्शनरी ओके श्याम क्या कहता है कि कौन अपना टाइम वेस्ट करना चाहेगा डिक्शनरी खोलकर उसमें सर्च करने में गूगल में तो फ़ौरन मिल जाता है ओके रीनू यू मीन लुकिंग अप द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन डिक्शनरी इज वेस्ट ऑफ टाइम अबाउट थर्टी टू फोर्टी ईयर्स गो पीपल रिफर टू अ डिक्शनरी एंड वर हैप्पी डूइंग सो ओके रीनू क्या समझाता है श्याम को कि क्या तुम्हें लगता है कि डिक्शनरी में वर्ड सर्च करना मीनिंग सर्च करना वेस्ट ऑफ टाइम है ओके okay. रीनू श्याम को पूछता है फिर उसको क्या समझाता है कि थर्टी टू फोर्टी ईयर्स गो थर्टी टू फोर्टी ईयर्स पहले पीपल डिक्शनरीज में ही वर्ड सर्च करते थे और वो बहुत खुश रहते थे ओके श्याम वाई शुड आई थिंक अबाउट द पास्ट वी आर लिविंग इन द डिजिटल वर्ल्ड ओके श्याम क्या कहता है रीनू से कि हमें पुराने ज़माने का नहीं सोचना चाहिए हम तो डिजिटल वर्ल्ड में यूज़ रह रहे हैं ओके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में ओके और रीनू क्या कहता है यू सी द प्रेजेंट जेनरेशन इज गेटिंग एडिक्टेड टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दे हैव बिकम वेरी लेजी एंड डोंट वॉन्ट टू डू एनी फिजिकल वर्क डू यू नो दैट अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी ओके तो रीनू जो है ना वो श्याम को क्या समझा रहा है कि क्या तुम देख रहे हो कि प्रजेंट जेनरेशन आज की जो जनरेशन है वो कितना इलेक्ट्रिक गैजेट्स पे एडिक्ट हो गए हैं ओके डिपेंडेंट हो गए हैं ओके okay, और वो क्या कह रहा है इसी वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होती हैं ना मशीन्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी वर्क कर देती हैं तो इंसान ह्यूमन बीइंग्स हैं ना उन लोगों को अपना फ़िज़िकल वर्क कम करना पड़ता है इस वजह से तो पीपल जो है ना वो लोग लेज़ी हो गए हैं ओके okay, रीनू यही समझा रहा है कि पीपल जो हैं वो बहुत लेज़ी हो गए हैं और कोई भी फिजिकल वर्क करना नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब वो क्या कहता है रीनू कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक हेल्दी माइंड जो है वो एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही होता है ओके okay? न श्याम क्या कहता है श्याम को समझ में आ गया ओ रियली आई मस्ट लिसन टू यू एंड ट्राई टू बी मोर एक्टिव ओके तो श्याम क्या कहता है कि उसके समझ आ जाती है कि यस कि एक हेल्दी माइंड जो है वो एक हेल्दी बॉडी के अंदर होता है और हेल्दी बॉडी कैसा होता है जो फिज़िकली फिट होता है ओके सो यू सी स्टूडेंट्स इस तरह रीनू और श्याम के बीच में कन्वर्सेशन हुआ ना नेक्स्ट कन्वर्सेशन भी दिया हुआ है ओके अस रीड दैट आल्सो नंबर बी रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जयंत एंड गगन बेस्ड ऑन अ बर्थडे गिफ्ट ओके नाउ यहाँ कौन दो हैं स्पीकर्स दो पीपल कौन बात कर रहे हैं एक साथ एक दूसरे से दे आर जयंत एंड गगन जयंत और गगन के बीच में कन्वर्सेशन होगा कौन सा टॉपिक है ऑन अ बर्थडे गिफ्ट ओके टॉपिक क्या है इन दोनों का बर्थडे गिफ्ट्स गिफ्ट लेट अस स्टार्ट जयंत हे रूपक व्हाट ब्रॉट यू हियर गगन टेल मी हाउ इज एवरीथिंग ओके एक दूसरे बात कर रहे हैं तो जयंत जो है ना वो गगन से मिला है तो कहता है hey, रूपक वॉट ब्रॉट तुम यहाँ क्यों आए हो तो okay, गगन क्या कहता है टेल मी हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग जब हम लोग किसी से कुछ दिन बाद मिलते तो एक दूसरे से पूछते हैं ना कि तुम बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है इज इंट इट कम टू द नेक्स्ट पेज जयंत Everything is okay. Do you know why I am here? I have come here to purchase a gift for Sparsh. Today is his birthday. You know he is my best friend. Okay, Jayant kya batata hai? Ki wo pehle batata hai ki everything is okay. Okay, wo batata hai sab kuch fine hai. और फिर वो बताता है कि क्या तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ मैं यहाँ एक अपने best friend स्पर्श के लिए gift लेने आया हूँ Okay क्योंकि उसका आज birthday है ओके नौका गण वॉट हैव यू डिसाइडेड टू परचेज फॉर हेम के गगन क्या पूछता है कि तुमने उसको देने के लिए क्या डिसाइड किया है जयंत आई वॉन्ट टू गिफ्ट हिम अ सेल फ़ोन ओके जयंत ने क्या सोचा था कि मैं अपने फ्रेंड को एक सेल फ़ोन गिफ्ट करूँगा वो बताता है गगन को मैंने सोचा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसके लिए सेल फोन खरीदूँ ओके गगन Do you know everyone in this world wants electronic gadgets? Can I suggest you something else? एल्स ओके गगन क्या कहता है कि तुम्हें पता है आजकल सारी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सबको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही चाहिए होते हैं फिर वो क्या कहता है कि आ, मैं तुम्हें एक अलग चीज़ सजेस्ट करूँ गिफ्ट एज अ गिफ्ट जैन क्या कहता है यस श्योर ओके जैन खुश हो जाता है बोलता है येस श्योर ज़रूर गगन वाई डोंट यू गिफ्ट हिम अ बुक एज़ यू कैन सी वॉट इज़ मिसिंग टूडे इज़ द हैबिट ऑफ रीडिंग मोर ओवर बुक्स आर आर बेस्ट फ्रेंड्स ओके तो जय गगन जो था ना वो जयंत को क्या सजेस्ट करता है कि तुम उसके लिए गि, बुक गिफ्ट क्यों नहीं लेते ओके बिकॉज वॉट इज मिसिंग टूडे क्या कहता है कि आज कल आज कल के दुनिया में लोगों में क्या मिस है सब लोग जो है ना सब लोग ये रीडिंग हैबिट जो है ना वो खत्म ख़त्म होती जा रही है सबकी और बुक्स और क्या कहते हैं और हम लोगों ने अभी तक स्कूलिंग में यही पढ़ा है कि बुक्स जो होते हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ठीक है okay, तो जयंत क्या कहते हैं वेरी ट्रू आई वॉन्ट टू मेक दिस कन् दिस ओकेजन रिमार्केबल बाई गिविंग हिम अ यूनिक बुक एनसाइक्लोपीडिया ओके okay, तो जयंत फौरन मान जाता है और वो क्या कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो कि रीडिंग हैबिट जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है तो वो कहता है कि आई वॉन्ट टू मेक हिम मेक दिस ओकेजन रिमार्केबल ओके तो वो क्या कहता है जयंत कि मैं इस ओकेजन को एक यादगार बना कर रखूँगा और उसको एक यूनिक एक अलग अलग सी बुक गिफ्ट कर कर कौन सी बुक दे रहा था एनसाइक्लोपीडिया ओके स्टूडेंट्स सो यू सी इन दोनों कन्वर्सेशन में ये जो दो हम लोगों ने कन्वर्सेशंस डायलॉग राइटिंग जो हम लोगों ने पढ़ी है इन एग्जाम्पल इन में इनमें दोनों जो थेज स्पीकर एक ही टॉपिक पर बात करते हैं और वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है ओके सो इन एक्सरसाइज फर्स्ट वाला जो है ना वो आपको गूगल क्लासरूम में सेंड किया जाएगा नंबर वन एंड विल हैव टू लर्न ऑल द थ्री Okey